good morning students now we will discuss uh, causes of soil erosion in the previous video lecture we have discussed about the soil erosion soil erosion basically the removal of the top layer of the soil is called soil erosion जो सॉइल का ऊपर लेयर जो होता है जब वो रिमूव होता है कैसे रिमूव होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे उसके कारण क्या है आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि कैसे हम सॉइल जो है वो रिमूव होता है ऊपर लेयर वाला ऊपर का लेयर कैसे रिमूव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन ओके सो फर्स्ट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज इज़ नो इरोजन बाई सॉयल इरोजन बाय रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है उससे कैसे सॉयल इरोड होता है दॉयल द रेन वाटर रीचेज द रिवर एज वी फ्लो एज इट फ्लोज इट कट्स एंड फॉर्म हॉलो वाटर वेज जैसे ही जो बारिश का पानी होता है उसकी फ्लो की वजह से जगह जगह पे कट्स हो जाते हैं और वहाँ पर खोखला हो जाता है दीज वाटर वेज बिकम वाइड एंड डीप इन प्लेन्स और ये जो है वाइड uh, हो जाता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है और गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे बना जाता है प्लेन्स में बाय द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर द टॉप लेयर इज़ कैरिड अवे एंड दस सॉइल इज़ इरोडेड बाई रेन वाटर और जो पानी के फोर्स से क्या होता है सॉयल भी साथ ही साथ बह जाता है और वहाँ पर खोखला कर जाता है वहाँ की जो मिट्टी टी होती है उसको खाली कर देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सॉयल इरोजन सॉइयल इरोजन बाय रनिंग वाटर्स रिवर्स सेकेंड पॉइंट इज सॉयल इरोजन बाय रनिंग वाटर्स रिवर्स एज दे एज दे फ्लो डाउन द हिल्स वॉश अवे फाइन सैंड मड पार्टिकल्स एंड मिनरल्स एंड ग्रेजुअली डिपोजिट इन टू द प्लेन द सॉयल डिपॉजिट बाय रिवर्स इज कॉल्ड सिल्ट इट इज वेरी रिच एंड फर्टाइल द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल गेट्स इन टू दी एंड सी ईयर आफ्टर ईयर रिवर वाटर से कैसे होता अब तक तो हमने देखा रेन वॉटर से रिवर के वाटर से जब रिवर्स एज द फ्लो फ्रॉम द हिल्स जब वो हिल्स से फ्लो करते हैं वॉश आउट उसके साथ साथ बहुत सारे फाइन सैंड मड पार्टिकल्स मिनरल्स जो uh, सारे uh, साथ ही साथ में बहते हैं प्लेन्स में द सॉइल डिपॉजिट बाय रिवर इस कॉल्ड सिल्ट और जो जो सॉयल डिपॉजिट करते हैं रिवर्स के सॉयल जो रिवर्स जो पानी इकट्ठा होते हैं सॉइल में उसको सिल्ट बोलते हैं इट इज़ वेरी रिच एंड फर्टाइल जो कि बहुत रिच होता है फ़र्टाइल होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइन सैंड मर्ड पार्टिकल्स मिनरल्स होते हैं ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल गेट्स इनटू अ सी और जो लार्ज बहुत सारा अमाउंट का सॉयल जो है वो सी में इकट्ठा हो जाता है एज रिवर एम टी देयर वाटर्स और वो जो रिवर का पानी जो रिवर है सारे जो सैंड है वो रिवर में इकट्ठा हो जाता है और इसी से सॉइल इरोजन होता है नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन बाय विंड हवा से कैसे होता है द सॉयल द स्ट्रॉग विंड ब्लोज एंड कैरी अवे द टॉप सॉयल एंड इट्स लूज बहुत तेज जब हवा होती है जो मिट्टी उड़ती है उसी के साथ साथ तो जो टॉप लेयर जो होता है वो भी उड़ जाता है मैन्योर इज ब्लो ब्लोन अवे और उसके साथ साथ जितने भी उसके फर्टाइल पार्टिकल्स होते हैं सारे कुछ उड़ जाते हैं क्वाइट ऑफ्टन द रूट्स ऑफ प्लांट लूज देयर सॉयल और उसके बाद जो रूट्स होते हैं कई जगह देखिएगा बहुत आंधी आती है पेड़ भी गिर जाते हैं इसी वजह से गिरते हैं एंड ड्यू एंड डाई ड्यू टू द डेफिशंसी ऑफ़ मिनरल्स और जो उसके मिनरल्स होते हैं क्योंकि सारे मिनरल्स जो हैं वो रिवर में इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि जब हिल से नदियाँ निकलती हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे फाइन फाइन मटेरियल्स भी मिनरल्स भी निकलते हैं और वो मिनरल्स रिवर में इकट्ठा हो जाते हैं जो कि सॉइल में नहीं मिल पाते हैं तो जो और ये सॉइल uh, इरोजन जो विंड से होता है आप देख सकते हैं वो विंड से क्यों होता है देखिए कितने सारे पेड़ गिरे हुए हैं क्योंकि इसमें जो फाइन जो फर्टाइल जो है सॉयल वो साथ साथ हवा के उड़ जाता है और वो जड़ कमज़ोर हो जाने की वजह से वो गिर जाती है ठीक है और मिनरल्स की कमी भी रहती है क्योंकि सारे मिनरल्स जो हैं वो रिवर में चले जाते हैं सॉइल इरोजन बाय डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग ऑफ मोर एंड मोर प्लांट्स जो डे बाय डे प्लांट्स की कटिंग होती है द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड दॉयल टाइटली जो जड़ें होती हैं वो प्लांट्स की वो आ, वो जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो अपने जड़ प्लांट्स जो होता है उसकी जड़ें उसको बांध के रखती हैं एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड उसको सॉइल इरोजन होने से बचाती है बाय द फोर्स ऑफ नेचर लेकिन आजकल क्या हो रहा है ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज द टॉप लेयर बिकम बिकम प्रॉन टू एक्स इोशन एज दे आर नो रूट्स टू होल्ड इट टाइटली डे बाय डे कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहे हैं कहीं प्लांटेशन ही नहीं हो रहा है डे बाय डे कटिंग हो रहा है कहीं फैक्ट्रीज बन रही हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है उसे कटिंग ऑफ ट्रीज रोड बनने की वजह से कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है उसी वजह जब सॉय जब रूट्स को होल्डली होल्ड करने के लिए प्लांट्स ही नहीं रहेंगे ऑब्वियसली सॉयल इरोजन होता रहेगा तो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ सोइल इरोजन इन दिस चैप्टर सॉइल वी हैव डिसकस अबाउट द सोइल इरोजन वेरी सून वी विल डिस्कस सोइल कंजर्वेशन कैसे हम उसको सोइल इरोजन को जो मिट्टी की जो कट रही है हवा से पानी से रेन वाटर से रिवर वाटर से, से कटिंग ऑफ ट्रीज से वो कैसे हम लोग रोकेंगे इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसके कारण क्या है सॉइली इरोजन के ये हम लोगों ने देखा आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंजर्वेशन पढ़ेंगे तब तक के लिए इतना ही और वीडियो को देखते रहिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए थैंक यू